अभी हम मौजूद हैं सोना के गोवर्धन कुंज में। यहाँ के इलाके से, इलाके की जनता से जानने की कोशिश करेंगे क्या इस दफा माहौल लग रहा है इस दफा बीजेपी या कांग्रेस। इस दफा सर क्या लग रहा है आप लोगों के अंदर कि इस दफा क्या, इस दफा कांग्रेस आनी चाहिए कि बीजेपी आनी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए, जैसा कि बीजेपी ने पहले पिछले 10 साल में उन्नति करके दिखाई है और जिस ईमानदारी से काम किया है बीजेपी ने, उस हिसाब से तो बीजेपी का ही रुझान हम लोगों को यहाँ नजर आ रहा है। आपसे ये सवाल है, रोहतास खोटाना जी को टिकट दिया गया कांग्रेस की तरफ से, क्या वो खरीदी हुई टिकट है या पहले भी कुछ हुआ गया उसमें? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, खरीदी हुई टिकट है बिची हुई टिकट है, लेकिन हमें पता है कि हमारे तेजपाल तंवर जी को पिछली बार भी टिकट मिली थी और उसके बाद भी मिली है। लेकिन आरोप लग रहा है कि खोटाना जी को टिकट खरीदी है वो चुनाव लड़ने के लिए सोहाना से। नहीं, इस बारे में मेरा कोई कमेंट नहीं रहेगा। फिर भी आपकी आपकी राय तो बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं इसमें। नहीं नहीं, इस बारे में खरीद फरोख्त के मामले में तो हम दूर हैं, हम तो बाहर से आए हुए कॉलोनी के लोग यहाँ बसे हुए हैं। जितना हम आप रोहतास खटाना जी आपके बीच में आए कभी? हाँ आए थे, एक बार आए थे, पिछले चुनाव में आए थे जी, मतलब 5 साल पहले। हाँ 5 साल पहले, एक ही बार आए थे बस। मतलब पूरे 5 साल में एक ही दफा शक्ल दिखा आप लोगों के बीच में। हाँ बिल्कुल सही बात है। सर आपका शुभ नाम? राजीव कुमार। रोहतास खटाना जी कितने दफा आए आपके इलाके में? एक बार आए हैं जी पिछले चुनाव में। मतलब पिछले 5 साल में एक ही दफा शक्ल दिखाए, तो उस पर आरोप ये भी लग रहे हैं कि वो टिकट खरीदी गई है कांग्रेस से? ये तो नहीं कह सकते हम जी, टिकट खरीदा गया कि नहीं खरीदा गया जी, मतलब क्योंकि आरोप लग रहे हैं ना कि टिकट खरीदा गया, और यहाँ तक कि ये भी कह रहे हैं कि तेजपाल तामर जी यहाँ से जिनको बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है, तो वो भी पिछली दफा संजय सिंह थे यहाँ से, तो उसको हटा दे के यहाँ पे भी तेजपाल तामर जी को लाया गया, तो ऐसा क्यों किया गया? सर तेजपाल तामर जी 2014 में भी थे, 19 में उनको हटाया गया, फिर 2024 में आए हैं और इस बार पूर्ण बहुमत के साथ आएंगे जी। लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि विकास जो 5 साल में नहीं हुआ, तो तेजपाल तामर जी आएंगे तो विकास करेंगे, जो फिर भी बीजेपी के ही एमएलए थे यहाँ से। सर सबके हिसाब से तो विकास होता नहीं है ना, विकास तो हो रहा है, मतलब विकास हो रहा है लेकिन धीरे से हो रहा है, लेकिन हो रहा है, लेकिन हो रहा है। सर आपका शुभ नाम? दिनेश कुमार सिंह। कितना विकास देखा आपने सोना में? अभी तक जितना भी विकास है ठीक ठाक है। ठीक ठाक है। और अभी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे यहाँ से संजय सिंह, तो कितना काम किया उन्होंने? सो सो। हाँ मीडियम। तो आप तेजपाल तामर जी यहाँ से खड़े हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या कितने सीटों से, कितने वोटों से जीत जाएंगे? विकास का बहार हो जाएगा, बहुत अच्छा विकास होगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से रोहतास खोटाना जी को टिकट दिया गया, तो लेकिन ये भी आरोप लग रहा है कि वो टिकट खरीदी गई है। डोंट कमेंट। नहीं सर आप जनता है, तो जनता की तरफ से मैं रिव्यू जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों? नहीं वो नहीं मालूम हमको जी, नहीं मालूम है कुछ भी। सर आपको तो कुछ फिर भी बहुमत है वो बीजेपी को ही है स्टार्टिंग से, और बीजेपी को ही जाएगा। नहीं सवाल ये कि सोना की जनता का ये कहना है कि क्या कांग्रेस ने टिकट बेची है खटाना जी को? नहीं इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं, इसका पता। फिर भी तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना, क्योंकि आप प्रतिनिधि को लाते हैं और हराते भी और जिताते भी। नहीं सर इसका कोई वो नहीं है नॉलेज। सर आपका शुभ नाम? ऋषभ नाम है ना, ऋषभ कौशिक जी। सर आपसे सीधा सवाल है, क्या कांग्रेस ने टिकट बेची है? ये तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं जाके इस बारे में, कोई भी जनता, सोना की जनता तो आप भी होंगे सर, बिल्कुल है। सर आप तो बता सकते हैं कि उसमें क्या है क्या नहीं है। देखिए हमारा बहुमत जो है वो है तेजपाल तंवर जी के साथ, और दूसरी बात जो खरीद फरोख्त के बारे में आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में हम कैसे बता सकते हैं, हम तो एक नॉर्मल आदमी है ना, ये आप उनसे ही बेटर रहेगा अगर आप उनसे ही सवाल करें इसके रिगार्डिंग। तो चलिए ये बताइए कि 5 साल में कितनी दफा शक्ल दिखाया रोहतास खटाना जी? खटाना जी लास्ट इलेक्शन में एक ही बार रहे थे, जैसा कि हमारे बीजेपी की तरफ से। नहीं ये कौन सी पार्टी, जो मेरे को पार्टी ध्यान नहीं है, बट वो एक ही बार आए थे लास्ट टाइम, मैं भी था उस टाइम यहाँ पे, पूरी कॉलोनी का एक चक्कर लगाया था उन्होंने, बट एक ही बार आए थे वो। मतलब एक ही दफा आए शक्ल दिखाने के लिए? हाँ एक ही बार आए, उसके बाद नहीं आया वो जी। सर आपका शुभ नाम? प्रीतम सिंह राणा। रोहतास खटाना जी कितनी दफा आए यहाँ पे शक्ल दिखाने के लिए? अभी एक ही बार ही सुना हमने कि एक ही बार ही आए हैं, उस दिन हम भी आए थे यहाँ पे, लेकिन हम मिले नहीं है, लेकिन आए थे बोले। आरोप ये भी लग रहे हैं रोहतास खटाना जी पे कि वो उन्होंने टिकट ली है कांग्रेस से, खरीदी है कई करोड़ रुपए की। अब ये तो सर इस चीज की जानकारी हमें नहीं है, खरीदी या क्या करी, लेकिन हमारी जनता जो है सब तेजपाल तंवर जी के। कांग्रेस में होता है कि वो टिकट बेची जाती है, इसकी जानकारी नहीं है सर हमें। क्योंकि आप लोग रहते हैं, आप लोग सोना की जनता भी है, तो आप लोगों को पता होता है ना? इतनी हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी इधर से जो भी है तेजपाल जी के सपोर्ट में है सर। तेजपाल तामर जी के सपोर्ट में आप? जी।
यहाँ की जनता से हमने जाना तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जो सोना की जनता इस दफा तेजपाल तामर जी को ही सपोर्ट करेगी, ना कि दूसरे कैंडिडेट कांग्रेस की सपोर्ट करेगी जो रोहतास खटाना जी है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति के साथ मैं मोहम्मद मौजम, LNI।